गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज नेहा हियर इन वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएचयू बैचलर। देखिए, आज से हम हमारा डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको वीडियो डेली प्रोवाइड की जाएगी, सो आपको वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। एंड मंथ के लास्ट में आपको मंथली करंट अफेयर की एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिसको कि आप एज अ रिविजन पढ़ोगे, राइट। वीडियो बाइलिंगुअल होगी, सो आपको मीडियम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 17 फरवरी 2021, और इस डेट से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मेट्रिक टन चावल भेंट की है। रिसेंटली इन विच कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड 2000 मिलियन टन ऑफ राइस टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी। तो देखिए, आपको पता है कि जो हमारी भारत सरकार है ये काफ़ी हेल्पिंग नेचर है। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो हमारी भारत सरकार सबसे पहले आगे आती है, राइट। सीरिया के ऊपर अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा को लेकर संकट मंडरा रहा था, और सीरिया की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने 2000 मेट्रिक टन चावल इसको भेंट करके इसकी सहायता की है, राइट। अगर हम बात करें सीरिया कंट्री की, इसका जो कैपिटल है वो है आपका दसमी का, और यहाँ की जो करेंसी है वो आपकी है सरियन पॉइंट। सीरिया और इंडिया के बीच के रिलेशनशिप की बात करें तो इनके बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप चलती है। एग्जांपल में अगर आपको मैं बताऊं, देखिए सीरिया के बगल में कंट्री है इसराइल, और सीरिया और इसराइल के बीच का जो बॉर्डर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो गोलन की पहाड़ियाँ बनाती है, राइट। इस सीमा को लेकर के सीरिया और इसराइल के बीच में हमेशा विवाद चलता रहता है। इस केस में इंडिया सीरिया का सपोर्ट करती है, फिर इससे आप देख सकते हो कि सीरिया और इंडिया के बीच का रिलेशनशिप कितना अच्छा है। भारत सरकार ने सीरिया की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मेट्रिक टन चावल की भेंट की है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हाल ही में द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ नामक पुस्तक किसने लिखी है। रिसेंटली हु रॉट अ बुक कॉल्ड द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज़। देखिए, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज़ नामक पुस्तक मेघना पंत जी के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने लिखी है, ठीक है, मेघना पंत जी ने। देखिए, आपका एग्जाम 2021 में होने जा रहा है, तो फिर 2020 के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं वो सभी आपको लर्न होने चाहिए, आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैंने ऐप पर अपलोड कर दी है, और इस वीडियो की भी करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो भी मैं ऐप पर अपलोड कर दूंगी। तो आप यहाँ पर वीडियो देखिए और फिर आप सेकेंड टाइम रीड पीडीएफ से कर लीजिएगा। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज़ पुस्तक मेघना पंत जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है। वेयर इज़ द रीसेंट नेशनल संस्कृत फेस्टिवल 2021 गोइंग टू बी हेल्ड। देखिए, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है, ओके। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आपकी ममता बनर्जी, और गवर्नर यहाँ के हैं जगदीप धनबाद जी। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड अगर और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हाल ही में मातृ समृष्टि योजना और रमिहर परोस योजना यहाँ पे हाल ही में अभी बनाई गई है, और यहाँ पर एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संधानी ऐप, ठीक है, संधानी ऐप। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में बनते हैं कि संधानी ऐप किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, आपका ये वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2022 की भारत में जीडीपी कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू बी इन FY 2022। देखिए, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 10.4% होने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें बजट की, तो देखिए अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए 1 फरवरी 2021 को हमारा बजट 2021-22 का बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, इनके द्वारा संसद में पास किया गया है। और इस बजट में खास बात ये है, यहाँ पे ये जो आपका बजट रहा ये पेपरलेस बजट रहा, राइट। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करिए, इस बजट में आपके 6 पिलर्स को मेंशन किया गया है, ओके। अब ये 6 पिलर्स कौन कौन से थे अगर मैं यहाँ पे कवर करती हूँ तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, सो इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप इसको गूगल पर सर्च करके पढ़ लीजिए। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी का आंकलन किया गया है, अनुमान लगाया गया है, 10.4%। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है। विच स्टेट पुलिस हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम टू प्रमोट वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है, ओके।
अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो है आपका लखनऊ, और ये लखनऊ कहाँ स्थित है, ये गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर आपका स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आस्क किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अच्छा यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखें, तो यहाँ पे अभी हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की गई है, यहाँ पे अभी हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना भी लॉन्च की गई है, ओके। और यहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आयुष कवच ऐप, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाल ही में टायर निर्माता CIET ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? रिसेंटली टायर मैन्युफैक्चरर CIET हैज़ मेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर टू होम। देखिए इन्होंने राणा दगुभत्ती को CIET का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ये टायर मैन्युफैक्चरर CIET क्या है, तो देखिए CIET के द्वारा जो है एक टायर की नई सीरीज लॉन्च की गई है, राइट, जिसका नाम है पंचर सेफ। देखिए इसकी खासियत ये है कि ये पंचर होने के बाद भी हवा नहीं निकलती इसमें से, ये खुद ब खुद जुड़ जाती है, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसमें 2.5 mm किलो की पंचर को भी सील कर सकती है, ठीक है। हाल ही में टायर निर्माता CIET को जो है ब्रांड एम्बेसडर राणा दगुभत्ती को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य देश कौन है, मुख्य न्यायाधीश मतलब कौन है, हु बिकेम द टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप उसे करेक्ट कर लोगे। हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। देखिए मणिपुर हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस पुलगुरु वेनकाता को बनाया गया है। अगर हम बात करें मणिपुर की, तो इसका जो आपका कैपिटल है वो है इम्फाल, और यहाँ के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आपकी एनवीरेन सिंह, और यहाँ के राज्यपाल हैं आपका नजमा हेपतुल्ला, ओके। और देखिए हाई कोर्ट का जो लेख आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपके भाग 6 में 214 से लेकर 231 तक का जो आपका आर्टिकल है इसमें आपको हाईकोर्ट का उल्लेख मिलता है। और देखिए इंडिया में टोटल हाई कोर्ट अभी वर्तमान में 25 है, और जो आपका लास्ट हाई कोर्ट है मतलब जो आपका 25वां हाई कोर्ट है ये जनवरी 2019 में बना, और ये कहाँ पर बना, अमरावती में बना, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट करिए, आपको जो 7th अमेंडमेंट हुआ था ये कब हुआ था, 1956 में हुआ था। इसके तहत ये ऐसा किया गया कि जो दो या दो से अधिक जो है राज्यों के लिए हाई कोर्ट का बनाया जा सकता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विश्व व्यापार महासंगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बनी है नगोजी ओकोंजो इविला। नाम थोड़ा अजीब है बट इनकी चॉइस तो अच्छा है। नगोजी ओकोंजो इविला जो है पहली महिला महासचिव बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, बिकॉज मैंने सभी ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके स्थापना कब हुई, इनके प्रेसिडेंट कौन है, ये मैंने आपको इसके PDF ऐप पर अपलोड की है, तो आपने उसको पढ़ा होगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में प्रथम रैंक किसने हासिल किया है? विच कंट्री हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020? देखिए अभी हाल ही में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया गया है इसमें फर्स्ट रैंक नॉर्वे का रहा, और हमारी कंट्री इंडिया का रैंक 53rd रहा, ठीक है। इंडेक्स में आपको दो चीज़ें ही लर्न करनी होती हैं, फर्स्ट रैंक किसका था और आपकी कंट्री इंडिया का रैंक कौन सा है। 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसकी PDF मैंने ऐप पर अपलोड की है, आप जाइए और वहाँ से पढ़िए, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वेट अभी हम नॉर्वे को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें नॉर्वे कंट्री की, तो यहाँ का जो कैपिटल है आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ की जो करेंसी है वो है आपकी नॉर्वेगियन क्रोन। और देखिए करंट अफेयर जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं उसको भी आप पढ़ते चलिए, उसको भी कवर करते चलिए, इससे आपका रिविज़न भी होगा और आपकी मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो रही हैं, राइट। अच्छा यहाँ पे ये देखिए इंडेक्स जो है ये रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है, ये रिलीज़ किया जाता है आपकी EIU के द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ओके। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध मांडू फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? रिसेंटली वेयर वॉज द फेमस फेस्टिवल मांडू ऑर्गेनाइज्ड? देखिए जो मांडू फेस्टिवल है ये काफ़ी फेमस है, इसको हम 3 दिवसीय फेस्टिवल भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के धार शहर में आयोजित किया गया, ठीक है। और इसको आयोजित किसके द्वारा किया गया था? इसको आयोजित किया गया NP टूरिज्म बोर्ड के द्वारा किया गया इसको, ठीक है। और इसकी थीम क्या रही? खोजने में खो जाओ।
ये जो फेस्टिवल है मांडू फेस्टिवल, इसकी थीम रही इस बार की खोजने में खो जाओ। अच्छा देखिए, ये जो फेस्टिवल है आपका, ये धार में सेलिब्रेट किया जा रहा है। धार शहर को मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ जॉय धार शहर को कहा जाता है, बट येस इंडिया का सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है। इंडिया का सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है और मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ जॉय धार शहर को कहा जाता है। चलिए अगर हम बात करें अब मध्य प्रदेश का स्टेट की, तो देखिए इसकी कैपिटल आपको पता होगा भोपाल है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। मध्य प्रदेश से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, यहाँ पर अभी हाल ही में सांस अभियान चलाया गया, राइट। इस अभियान का पहले सांस का फुल फॉर्म देख लीजिए। सांस का फुल फॉर्म आपका होगा सोशल अवेयरनेस इन एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये अभियान चलाया गया था किस लिए, तो देखिए मध्य प्रदेश में जो है निमोनिया से काफ़ी बच्चों की मृत्यु हो रही थी, ठीक है, तो इसीलिए जो है ये सांस अभियान लाया गया। फिर यहाँ पे 24 जनवरी को एक पंख अभियान भी चलाया गया, ठीक है। पंख का फुल फॉर्म है आपका प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज हेल्थ, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख बनी? Which Indian woman has recently become the head of Oxford Students Union? देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के में छात्र संघ चुनाव हुआ, और उसमें वहाँ पर जो है कौन सी भारतीय महिला इलेक्ट हुई, तो वो है आपकी रश्मिता समंता। हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है, राइट। रश्मि समंता जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो अभी हाल ही में छात्र संघ चुनाव हुआ, उसमें ये रश्मिता समंता को चुना गया, वहाँ की वो प्रमुख बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीवी सावंत का निधन हुआ, वह कौन थे? पीवी सावंत, देखिए ये पीवी सावंत जो हैं आपके, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं, जस्टिस हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हाल ही में किस कंपनी के साथ इसरो भारत की स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और इतना यहाँ पे सो रहे ना हाल ही में किस कंपनी के साथ इसरो भारत की स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और स्थानिक सेवाओं का विकसित करेगा? रिसेंटली विथ विच करंट कंपनी इसरो विल डेवलप इंडियाज इंडिजियस मैपिंग पोर्टल इन स्पेशल सर्विस? ये आपका करने वाला है मैप माई इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है। देखिए मैप माई इंडिया कंपनी के जो CEO हैं प्रेजेंट में, वो हैं आपकी रोहन परमा जी। अगर हम इसरो का बात करें, तो इसरो का फुल फॉर्म आपका होता है इंडो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, और वर्तमान में जो है यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वो है KE सिवा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 एंड आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड्स ऑफ फंड में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स टू इन्वेस्ट इन NIIF फंड्स टू फंड्स। देखिए 100 मिलियन डॉलर होगा, यहाँ पर मैंने परसेंट लिखा है, आप इस मिसटाइप को करेक्ट कर लोगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड्स ऑफ फंड्स में 100 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, ओके। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, तो देखिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी जो स्थापना हुई है 2014 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर संघाई में है, और प्रेजेंट में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है आपकी, मार्कस पॉडो ट्राइजो हैं, और ये ब्राज़ील के हैं, ठीक है। अभी इसके पहले इंडिया के थे, इंडिया के जो थे उनका नाम क्या था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में सर्च कीजिए और बताइए। NIIF इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ओके। सो आज का ये हमारा था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 17 फरवरी 2021 से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रही थी, वो मैंने यहाँ पे आपको लाया, आपके सामने आपको सॉल्व किया, ओके। इसकी PDF ऐप पर अपलोड कर दूंगी मैं। अच्छा आपके लिए मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इसके पहले भी मैंने आपसे दो क्वेश्चंस किए हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था आपसे WTO की स्थापना, तो मैंने आपको बताया 1995 में WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका आंसर आपको बताना है। और सेकंड जो मैंने अभी अभी आपसे किया कि NDB के जो वर्तमान में तो अभी मार्कस पॉडो ट्राइजो जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो ब्राज़ील के हैं, बट इसके पहले जो थे वो इंडिया के थे, वो इंडिया के जो थे उनका नाम क्या था, ठीक है। और अभी मैं आपसे फिर से दो क्वेश्चन कर रही हूँ जिसका आंसर आप मुझे बताओगे। वो दो क्वेश्चन मेरा ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, अभ्युदय योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, लाया है, ओके, अभ्युदय योजना। और सेकंड क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है।
सो मैंने आपसे 4 क्वेश्चन किए हैं, इस 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, बट इट्स ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इन 4 क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताऊंगी. ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. यस यस, इस वीडियो में आपको काफ़ी बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिला होगा, तो सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट वीडियो से हम ध्यान रखेंगे और बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं रहेगा. ओके, ऑल द बेस्ट.